सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कटरीना कैफ आखिर क्यों रो रही थी उसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें हम सब देख सकते हैं कि विकी कौशल से शादी करने के बाद कटरीना कैफ इमोशनल नजर आ रही है और वो रो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि कटरीना कैफ अपने घर वालों से, अपने बहनों से दूर होने के गम में रो रही थी। कटरीना कैफ उनके सारे बहनों से काफी ज्यादा क्लोज है और वो अपने माता पिता से भी काफी ज्यादा क्लोज है। कटरीना कैफ अपने सारे घर वालों से दूर होने के गम में रो रही थी। विकी कौशल से शादी करने के बाद कटरीना कैफ काफी ज्यादा बिजी हो गई है और वो अपने ससुराल में ही खुश है। कटरीना कैफ और विकी कौशल की जोड़ी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और इन दोनों के फोटोज को फैंस ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। शादी करने के बाद कटरीना कैफ अपने ससुराल में ही बिजी रहेगी और वो मूवी शूटिंग्स में काफी ज्यादा बिजी रहेगी और अपने घर वालों को, अपने माता पिता और अपने बहनों को टाइम नहीं दे पाएगी, इसलिए कटरीना कैफ काफी ज्यादा इमोशनल थी और रो रही थी। वैसे दोस्तों आप सबको विकी कौशल और कटरीना कैफ की जोड़ी कैसी लग रही है आप सब हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता देना।